बैक टू आर चैनल. अभी फिलहाल हम हैं जियो वर्ल्ड मॉल में, जियो वर्ल्ड ड्राइव में. सो बेसिकली ऑलरेडी यहाँ पे सब जगह पे क्रिसमस की वाइब्स है, मतलब अभी ईयर एंड हो रहा है तो सब जगह पे ऐसे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज है. बट जियो वर्ल्ड मॉल में ना लास्ट ईयर से यहाँ पे क्रिसमस मार्केट शुरू हुआ है, मार्केट वो लोग अरेंज करते हैं. तो हमने सोचा कि क्यों नहीं, लास्ट ईयर हम लोग को एक्सप्लोर कर रहा था, बट हमने सोचा इस ईयर टाइम है थोड़ा सा तो एक्सप्लोर कर ले. तो अभी तो फिलहाल हम लोग मॉल में है, पर जो क्रिसमस ट्री और जो एक्टिविटीज है वो बाहर के साइड पे. तो क्रिसमस मार्केट एक्सप्लोर करने से पहले अब हम मॉल के अंदर आए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगा था, हमने लंच प्रॉपरली किया नहीं था. तो यहाँ पे ग्रैंड मामा कैफे में, फूड कोर्ट में ग्रैंड मामा कैफे, वहाँ पे हमने लंच किया, पिज्ज़ा और चीज़ी फ्राइज खाया, बहुत यम था फूड. और हमारे साथ आज देवयानी भी है, चले एक्साइटेड. काफ़ी क्यूट क्रिसमस मार्केट है बट थोड़ा सा छोटा है, बच्चों के लिए काफ़ी सारी एक्टिविटीज करने के लिए है, पेरेंट्स को भी एंटरटेन करने के लिए उन्हें लाइव म्यूज़िक का, फूड स्टॉल्स है बहुत सारे, आपको वहाँ पे बियर ये सारी चीज़ें मिल जाएगी. क्रिसमस के डेकोर के कुछ चीज़ों के स्टॉल्स लगाए उन्होंने, गेम्स है खेलने के लिए, तो काफ़ी क्यूट है. स्पेशली अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनको आप ज़रूर लेकर आइए, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा. बीच बीच में स्नो होता है तो वो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, बट लाउड म्यूजिक था तो हम लोगों ने अंदर वहाँ पे ज़्यादा कुछ व्लॉग नहीं किया. अभी हम वापस मॉल में आ गए हैं, मॉल के जस्ट बैक साइड में ही होता है क्रिसमस मार्केट. यहाँ पे बड़ा एप्पल स्टोर है, आप लोगों को पता ही होगा. सो यहाँ पे एक दो चीज़ें हम प्लान कर रहे हैं बाय करने के लिए, तो वो जस्ट हम देखने आए हैं. सो गाइस, ये वाले एप्पल स्टोर में ना हमेशा ऐसा वर्कशॉप चलते रहता है, तो आप यहाँ पे आके देख सकते हो कि फोटोग्राफी वगैरह कैसे कर सकते हैं आईफोन यूज़ करके. किंजल, तू भी आज स्टाफ में की लग रही है, सब लोगों ने रेट डाला है स्टाफ में. तो यहाँ पे कंपैरिजन चल रहा है 13 प्रो का और 15 प्रो है ना ये? हाँ ये 15 प्रो. अच्छा, इसलिए 15 प्रो का बेटर है. ऐसा मेरे को ऐसा फील होता है वो टेम्पररी सॉफ्टवेयर में ना कुछ ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं, हमेशा नए फोन का ब्राइटनेस अच्छा ही लगता है. वही है ना, ऐसे क्रिसमस मार्केट एवरी वीकेंड होने वाला है 25 दिसंबर तक. ये जो फर्स्ट वीकेंड था, आज 10 दिसंबर है और इसका एंट्री फ्री नहीं है, आपको इसके लिए बुकिंग करना पड़ेगा. माय शो से कर सकते हो और आप वॉक इन भी कर सकते हो, इजीली हो जाता है. इसका कॉस्ट है 500 रुपीज़ और बुक माय शो में भी आप सर्च करोगे ना जियो वर्ल्ड ड्राइव क्रिसमस मार्केट तो आपको ईजिली मिल जाएगा. इनकेस अगर आपको चाहिए तो लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे. काफ़ी अच्छा था, बट एकदम ऐसे अगर आप बच्चे हैं घर में, पहले भी जैसे मैंने आपको बताया बच्चे अगर घर में है ना तो उनको बहुत क्यूट लगेगा. छोटा सा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता देखने, आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 घंटे में सब देख के हो जाएगा. क्रिसमस मार्केट देखने के बाद हम थाने आ गए और यहीं पर डिनर किया, ईरानी कैफ़े करके है. सो मन कर रहा था ऐसे ईरानी फूड खाने का, तो सोचा वहीं पर जाकर डिनर करते हैं. और उसके बाद हॉट चॉकलेट पीने का मूड था तो सामने ही स्टारबक्स था, तो हमने आज जो पूरा दिन है वो हॉट चॉकलेट के साथ एंड किया. बहुत मज़ा आया एक्चुअली, क्रिसमस मार्केट देखने के बाद वो मूड हो ही जाता है हॉट चॉकलेट का. ये ब्लॉग मैं इसलिए कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि 2 दिन बाद हमें निकलना है एक ट्रिप के लिए, इंटरनेशनल ट्रिप है, उसका कंफर्मेशन बहुत ही एंड मोमेंट पे आया है. तो तैयारी जो है वो थोड़ी बाकी है, एक दो चीज़ें लेनी है, एक लोकेशन अप्रोप्रिएट कुछ कपड़े लेने हैं
और सनस्क्रीन वगैरह सारा जो मेरा है वो ख़त्म होने आया है, तो सोचा कि व्लॉग कर लूँ, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे पूछते भी हो कि कहाँ से आप लोग शॉपिंग करते हो। सो दिस इज़ वॉट आई एम वेयरिंग गाइज, बहुत ही बेसिक रखा है मैंने, कुछ भी मेकअप भी नहीं किया है, सिर्फ स्किन केयर रूटीन किया और बहुत सारा सनस्क्रीन थपेड़ा है बिकॉज बहुत धूप है। सो बेसिक स्वेटर, बेसिक लूज डेनिम, ये अल्ट्रा लूज डेनिम डाला है मैंने, कंफर्टेबल क्लोथ प्रेफर करती हूँ मैं शॉपिंग के टाइम पे। तो चलिए गाइज अभी निकलते हैं, वो ऑलरेडी निकल चुके हैं, मुझे डायरेक्टली वीवियाना में मिलेंगे, उनको कुछ तो काम था। सो मैं भी निकलती हूँ क्योंकि मुझे शॉपिंग के साथ साथ सलोन भी जाना है, थोड़ा थ्रेडिंग वगैरह करना है, वैक्सिंग करना है। सो आई डोंट नो मैं टाइम पे पहुँच पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम टाइम है, पैकिंग भी करना है, सब कुछ बाकी है। लुक हु इज हियर, कॉफी पीने की वजह से हैवी लंच नहीं जाएगा, तो इसलिए आप रोल खा रहे हो ना। चिकन क्लासिक चिकन रोल टिप्स का अच्छा रहता है, थैंक यू। उसका अंडा रोल भी मस्त रहता है। और मैं एक्चुअली कुछ भी नहीं खा रही हूँ क्योंकि मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में भगर, यानी कि आप में से काफ़ी सारे लोग उसको सामा भी बोलते होंगे, वो मुझे बहुत पसंद है, उपवास नहीं रहेगा फिर भी मैं कभी कभी बना के खाती हूँ। कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है ना आज। सो गाइज आजकल मैं कॉफ़ी की जगह पे यहाँ पे चायोज में ये कूलर ट्राई करता हूँ, काफ़ी अच्छा टेस्ट है इसका, आपने कभी ट्राई किया रहेगा तो कमेंट सेक्शन में बताओ। और उसके साथ ये गेहूं का बिस्किट काफ़ी अच्छा टेस्ट करता है। मैं तो थक गई अभी, जस्ट हम लोग का शॉपिंग खत्म हुआ, बहुत ज़्यादा थकान लगा है। 5 किलोमीटर चली हूँ मैं आज पूरा मॉल में, फिर भी कपड़े तो कुछ ज़्यादा मिले नहीं अच्छे। अभी क्विकली दिखा देती हूँ हम लोगों की हमने क्या क्या बाय किया है। सबसे बड़ी चीज़ जो बाय की है ना वो है शूज़, फोर्डी एडिडास का शूज़ है जो कि बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल और अच्छी है, मस्त है, मस्त शूज़ है। इस पर मुझे आई थिंक 30% या 40% ऑफ मिला, कुछ 1600 में आया शायद से, बहुत ही क्यूट बैग है, फैनी बैग जैसा है, मुझे कब से चाहिए था बट कोई अच्छा मिल ही नहीं रहा था। लुक भी अच्छा है उसका। मैंने ये इनके लिए लास्ट शील्ड वाला सनस्क्रीन क्योंकि उनका ऑयली स्किन है, ये मेरे लिए एक्वालॉजिका का सनस्क्रीन, ये जो है इसका लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इनके से अगर आपको बाय करना रहेगा तो। ये मेरा 4th बॉटल है, बहुत ज़्यादा अच्छा सनस्क्रीन है और बहुत बजट में है इसका कॉस्टिंग, आई थिंक 450 है, अभी बढ़ा दिया उन्होंने। लड़कियों के लिए मैंने शेफर बाय किया है, मार्क्स एंड स्पेंसर से, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है बट उनका क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। प्लम का वनीला ऑयल, इससे मैं ऑब्सेस्ड हूँ, ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है और स्पेशली विंटर सीजन के लिए इसका ड्राई स्किन रहेगा ना एक्सट्रीमली, उनके लिए बहुत अच्छा है। मैं ये रोज़ रात को फुल बॉडी पे अप्लाई करके सोती हूँ और ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है, मेरा स्किन बिल्कुल भी फ्लेकी नहीं हुआ है अभी तक। और कॉस्टिंग की वजह से 550 का है, ये पूरी है एक्चुअली। मिमी सॉस से ये ट्रैवल क्यूब्स बाय किए हैं मैंने, एक्चुअली टॉयलेटरी का पाउच है, उसके बाद ये वायर्स वगैरह रखने के लिए, बहुत ही क्यूट है, दोनों मिला के मुझे 400 में कुछ तो आया, बहुत सस्ती चीज़ें मिलती थी। ये पैंट बाय किया है ज़ारा से, मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगा, बहुत स्पोर्टी है और हम लोग यहाँ पे जाने वाले हैं वो काइंड ऑफ वैसा है। उसके साथ मैंने बाय किया है मेरा फेवरेट कामा का फेस स्क्रब, बहुत ज़्यादा अच्छा है, आगे नहीं एक्सपेंसिव है थोड़ा बट इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। शॉपिंग के बाद ना गाइज हम गए थे डिनर के लिए क्योंकि आज मेरी बहन का बर्थडे था, उसके बाद हमने आइसक्रीम खाया क्योंकि कोई भी सेलिब्रेशन आइसक्रीम के बिना तो अधूरा होता है। आप भी अपने फैमिली के साथ जाते हो क्या आइसक्रीम खाने से बीच बीच में, जाते हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और ये टाइप का जो व्लॉग है हमें काफ़ी लोगों ने बताया था कि लाइफस्टाइल भी थोड़ा व्लॉग कीजिए, तो इसलिए हमने ट्राई किया है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा रहेगा तो हमें बताइए आपका क्या सोचना है इसके बारे में, अगर सब लोगों को अच्छा लग रहा है सब बोल रहे कमेंट करके तो हम ट्राई करेंगे और भी ऐसे वीडियो बनाने का। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और जो हम नेक्स्ट जा रहे हैं मतलब जहाँ पे जिसके लिए हमने आज शॉपिंग की है उसका वीडियो भी आपको बहुत जल्द देखने मिलेगा। सो स्टे ट्यून्ड गाइज, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।